आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत ये पांच महत्वपूर्ण नियम। जी हाँ दोस्तों, ये पांच नंबर का आता है, लगातार कई बार पूछा चुका है। ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे इंपॉर्टेंट नियम है जो लगातार पूछे आते हैं। ये पांच महत्वपूर्ण नियम फिजिक्स के अंतर रामबाण है मेरे भाई। पहले नंबर का लिखा है गॉस का नियम, ये पांच नंबर का पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आते भी है, लगातार कई बार पूछा भी जा चुका है। फिजिक्स के मैंने पांच महत्वपूर्ण नियम बता रहा हूं दोस्तों, आज की इस वीडियो आपको मिलेगा। अगर आपने वीडियो क्लिक ही कर दिया तो वीडियो को अंत तक देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है मेरे भाई। आज की इस वीडियो में आपको पांच नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ये दो महत्वपूर्ण नियम इस बोर्ड एग्जाम में आता है, तो पांच दस नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो मेरे भाई करना क्या है, वीडियो को पूरा अंत तक देखना, ठीक। दूसरा नंबर क्या है, एम्पियर के नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है, आंसर सहित आपको बताएंगे मेरे भाई, है ना, चिंता नहीं करना। तीसरा नंबर का है कूलाम के नियम, भी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है, चांसेस आने के रहती है, ठीक। चौथा नंबर क्या है, ओम का नियम, तो और ही इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं नियम वाली बात कर रहा हूँ कि नियम कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही पूरे फिजिक्स के अंतर्गत यही पांच ऐसे नियम है जो जिनकी चांसेस ज्यादा पाई जाती है आने की, तो इनको आज एक ही वीडियो में हम देख लेते हैं, ठीक। पांचवा नंबर क्या है, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि अगर आप पढ़ने वाले छात्र तो आपको पता हो ही गया होगा कि किरचॉफ का नियम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई आज के इस वीडियो में आपको पांच नंबर के पांच पीछे 25-30 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो करना क्या है, वीडियो को अंत तक देखना, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मैं बात करने वाला हूँ पहले नंबर, देखते हैं पहले नंबर का लिखा भाई, पहले नंबर ये लिखा है गॉस का नियम। जैसे दोस्तों गॉस का नियम ये पांच नंबर में पूछा जाता है, जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना, ये पांच नंबर का आता है। अगर पूछा जाएगा गॉस का नियम तथा निगमन कीजिए तो डायरेक्ट आपका आठ नंबर में आएगा, लेकिन अगर ये नहीं पूछता, ये पूछता कि गॉस का नियम लिखिए, तो डायरेक्ट आपका पांच नंबर पक्का हो जाएगा। तो मेरे भाई करना क्या है, बहुत सटीक आंसर है, आपको ऐसे ही याद करना है, बिल्कुल ऐसे। क्या लिखा है, किसी बंद पिट से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पिट से परिबद्ध कुल आवेश क्यों का 1/ε0 गुना होता है, उन्हें हम गॉस का नियम कहते हैं। दोस्तों करना क्या है, ये सूत्र है, ये सूत्र क्या जाएगा, φe = q/ε0, बस इतना कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अगर ये पूछता कि गॉस का नियम लिखिए तथा उसका सूत्र लिखिए, पूछता भी है, तो आपको इतना करके छोड़ देना है, प्रिंटेड है, यहाँ से आप पांच नंबर पक्का या अर्न कर सकते हो। तो मेरे भाई करना क्या है, इसको अच्छे से 2-3 बार अगर आप याद करते हो तो गारंटी है आपके दिमाग में छप जाएगा। देखो मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक। तो मेरे भाई करना क्या है, इसको स्क्रीनशॉट और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने ले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नंबर कितने, दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पांच नंबर में पूछा जाता है, जी हाँ दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि एम्पियर का नियम लिखिए, या इसी को बोलते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम, बात एक ही है, ये बोलेगा कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए या एम्पियर का नियम लिखिए, दोनों एक ही है दोस्तों। तो करना क्या आपको, ये पांच नंबर पूछा जाएगा तो आपको इतना लिखना है, अगर आपसे पूछा था कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए तथा उसका निगमन कीजिए, तो उसका इस सूत्र का निगमन करना पड़ेगा, तो वो आठ नंबर में आएगा। हालांकि वो ज्यादा नहीं पूछा जाता है, आपसे यही पूछा जाएगा कि एम्पियर का नियम लिखिए तथा उसका सूत्र लिखिए, तो आपको इतना करना है, क्या लिखना है, किसी बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन आई का यू नॉट गुना होता है, जिसे हम एम्पियर का नियम कहते हैं, ठीक। सूत्र इसका क्या जाएगा, φ(BdL)U0×I, बस इतना करना है, यहां से आप पांच नंबर अर्न कर सकते हो, मतलब पांच नंबर आपका पक्का हो सकता है। तो मेरे भाई करना क्या है, इसको ऐसे ही दो, मेरे भाई आपको करना क्या है, इसे आप 2-3 बार अगर आप याद करते हो तो गारंटेड है ये आपको याद हो ही जाएगा, लेकिन भैया 2-3 बार, मतलब 3 बार आपको पढ़ना है ध्यान से अच्छे से, तब आपको याद होगा। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर और अच्छा होगा, ठीक। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर, तीसरा नंबर भी इंपॉर्टेंट है, ये क्या लिखा, कूलाम के नियम। जैसे दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप पढ़ने छात्रों आपको पता चल गया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, इनकी भी चांसेस पाई जाती है, कई बार आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में मेरे भाई। तो करना क्या, ये पांच नंबर का आता है, पहली बात अच्छे से तैयार कर लेना है, आपसे पूछा जाएगा कूलाम का नियम लिखिए तथा सूत्र लिखिए, ठीक। तो करना क्या है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्हें हम कूलाम के नियम कहते हैं। इतना अगर आप करते हो तो आपका पांच नंबर आपकी झोली या आपके हाथ में पक्का हो जाएगा। आइए फिर देखते हैं क्या लिखा है, कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, वर्ग मतलब स्क्वायर के,
व्युत्क्रमान पाती होता है उन्हें हम या इन्हें हम कुलाम के नियम कहते हैं। अगर आप ऐसे लिखते हो तो आपका पांच नंबर आपके हाथ में तुरंत पक्का हो जाएगा। ये बात इम्पोर्टेंट मेरे भाई, तो ये आपको ही पता होगा कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट है, आने के चांसेस कई बार आ चुका है। अब रही बात किसका, इसका सूत्र क्या होता है, तो एफ बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब आपका ये क्वेश्चन होता है कि E एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, E एप्सिलॉन का मान होता है 8.85×10^-12। ये आपका रहा, इतना कर देना जरूर, इससे आपका और अच्छा नंबर मिल जाएगा, ठीक, ये नंबर मतलब पाने की चांसेस होती है। तो मेरे भाई मेरा कहना समझ गए, यही आपका सूत्र रहा। एक सूत्र इसका और होता है एफ बराबर 9×10^9 है ना, Q1 Q2 r2। तो मेरे भाई इतना भी करो चाहे तब भी सही है, इतना भी सही है। तो मेरा कहना समझ गए, अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। चौथा नंबर क्या है भाई, चौथा नंबर ये लिखा है ओम का नियम। जैसा कि दोस्तों ओम का नियम भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, ये डायरेक्ट पांच नंबर में आता है, ठीक, ये आपसे पांच नंबर पूछा जाएगा। अगर डायरेक्ट पांच नंबर में आता है मेरे भाई, अगर आपसे पूछा जाएगा ओम का नियम लिखिए तथा इसका सूत्र लिखिए, तो इतना ही करना है। तो करना क्या है कि ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के तार में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा, मैंने क्या बोला, ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के तार में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा आई उस तार के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है। इन्हें हम ओम का नियम कहते हैं, जबकि तार पर ताप निश्चित हो। बस इतना करना है, अगर इतना करते हैं तो आपके हाथ में तुरंत पांच नंबर पक्का। मेरे भाई V अनुक्रमानुपाती आई, अब V इसका निशान जब हटेगा तो बराबर लग जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R आ जाएगा, ठीक, जुड़ जाएगा R और I, तो V बराबर क्या जाएगा दोस्तों, आर आई है ना, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, V बराबर आर आई। अब V को ऐसे ही रखना है, आई इसके नीचे भेज देना है, इधर क्या जाएगा R, तो R बराबर क्या जाएगा, V बटे आई। ये रहा सूत्र, V बराबर क्या हो जाएगा, R I। अब मेरे को यहाँ से R रोक लेना है, तो क्या हो जाएगा, V बटे आई, V के नीचे I भेज देना, ठीक, मतलब जो I है इसके नीचे भेज देना है। बस यही आपका सूत्र रहा, ओम का नियम का सूत्र क्या होता है, ओम का सूत्र क्या होता है, R बराबर V बटे आई। ये आपका रहा सूत्र, इतना करते हो आपका पांच नंबर पक्का। अब रही बात कि V क्या है, तो V विभवांतर है, वोल्ट भी बोल सकते हो, कहीं कहीं पर वोल्ट भी बोला जाता है। I क्या है, धारा है, R क्या है, प्रतिरोध। इतना आप करते हैं तो आपके तुरंत पांच नंबर पक्का। तो अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। दोस्तों आपने इसके साथ ले लिया होगा, अब हम बात करते हैं पांचवा नंबर, ठीक। तो अब हम बात करते हैं पांचवा नियम क्या मेरे भाई, पांचवा नंबर लिखा है किरचॉफ का नियम। लिखिए किरचॉफ के नियम के अंदर दो नियम आते हैं, प्रथम नियम और किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का बंद पास का नियम, जिसे बंद जाल बोलते हो, ठीक, दूसरा नंबर। तो ये किरचॉफ का प्रथम नियम, मतलब ये उसी के अंदर किरचॉफ के नियम में ही आता है, प्रथम नियम और बंद पास का नियम दोनों मिलाकर के किरचॉफ का नियम बना। तो मेरे भाई प्रथम नियम क्या कहता है, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, मतलब सिग्मा आई बराबर क्या होता है, शून्य। अब आपको इतना प्रूफ करके दिखाना है, ये क्या आ रहा है दोस्तों, चित्र, यहाँ पर कोई जंक्शन है, मतलब बिंदु है, ठीक, ऊपर से धारा आ रही है I1, नीचे क्या है I5, इधर से धारा I2 I3, ऐसे ही आपको चित्र बना लेना है। यहाँ पर आपको लिख जरूर देना है कि संधि से आने वाली धारा प्लस संधि से बाहर जाने वाली धारा माइनस, मतलब संधि से अगर तुम्हारी अगर कोई आ रहा है तो वो प्लस होगा, अगर बाहर जा रहा है तो माइनस। तो वही बोला गया, संधि से आने वाली धारा प्लस और संधि से बाहर जाने वाली धारा माइनस। अब रही बात कि ये क्यों करना, क्या जो संधि की ओर आ रही धारा वो प्लस होगा, तो इसमें संधि की ओर जो कौन धारा आ रही है I1, तो करना क्या मेरे भाई, यहाँ पर आपको लिखना है I1, ठीक, I1 पर लगाना क्या है प्लस, फिर देखो संधि की ओर कौन आ रही है I2, जो चित्र ऐसे है वो आ रही है, जो चित्र ऐसे है वो जा रही है, तो ये क्या है आ रही I2 आ रही, यहाँ पर कर दिया I2। अब देखना है इसके बाद I3 आता है, तो I3 क्या है बाहर की ओर, तो यहाँ क्या जाएगा दोस्तों, माइनस क्या हो जाएगा I3, फिर I4 क्या भी है माइनस के बाहर की ओर है, ठीक, फिर क्या करना है I5 क्या है प्लस की, देखिए आप सामने देख लीजिए I5 जो है अंदर की ओर ना, यहाँ क्या जाएगा I5, इतना ही देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक, बराबर कर देना है आपको 0, इतना कर देना दोस्तों, ठीक, फिर क्या करना दोस्तों, माइनस I4 प्लस I5 बराबर 0, मतलब आपको यही तक लेना है, I6 I7 I8 नहीं लिखना, इतना ही लिख लो, ताकि इतना ही लिखना आपको, ज्यादा मत लिखे, ठीक, बात एक ही है ना, इतना ही I5 तक ही लिखना है, बाकी आपको लिखना, क्योंकि बात एक ही है, ठीक। अब आपको करना क्या है, देखिए I1 वैसे रोक लिया, प्लस I2 भी वैसे रोक लिया, ठीक, और प्लस इसमें क्या है, मतलब प्लस वाली संख्या रोक लिया, बराबर ये माइनस के जब बराबर किया जाएगा तो क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, तो I3 ये इधर क्या जाएगा प्लस I4, तो मतलब क्या हुआ कि संधि की और आने संधि की और बाहर जाने दोनों बराबर है ना, तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, सिग्मा आई बराबर 0,
तो संध से आने वाली धारा तथा सिंध से बाहर जाने वाली धारा का योग कितना होता है? शून्य होता है। बस यही आपको करना है, इसमें ज्यादा कोई साइकोलॉजी या तीन तगड़ा नहीं करना है मेरे भाई। अगर ऐसे आप करते हो तो यहाँ से आपका पांच नंबर पक्का हो जाएगा। कृपया आपका प्रथम नियम था, अभी इसका बंद पास का नियम बाकी है। तो इतना ही स्क्रीनशॉट करना क्या है किरचाफ का द्वितीय नियम क्या है मेरे भाई, जिसका नाम है बंद जाल बोले चाहे बंद पास किए। ठीक, आपको चित्र ऐसे बनाना है ए बी सी डी ई ए सॉरी ई एफ ठीक आर वन आई वन ई वन ई टू आर टू ई टू है ना आर थ्री आई वन प्लस आई टू, इतना ही चाहिए। ऐसे ही चित्र बनना चाहिए, ऐसे ही आपका एरो चित्र है ना तीर लगाना चाहिए। मैं मेरे भाई अब आपको लिखना क्या है कि बंद जाल ए बी सी डी ए में, मतलब ए वाला बी सी डी ए ये ऊपर का पोर्शन लिया गया है। अब ऊपर के पोर्शन में क्या है मेरे भाई, देखिए आर वन क्या है मेरे भाई आई वन आर वन ठीक माइनस आई वन आर वन माइनस आई टू ठीक, फिर क्या लिखा है आर टू बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों ई वन है ना बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों ई वन माइनस ई टू, ये आपको ध्यान देना है ई वन माइनस ई टू, ये समीकरण आपका फर्स्ट माना। ठीक, अब आपको ध्यान देना है कि बंद जाल फिर लिखना नीचे कि बंद जाल लिखना है बंद जाल सी डी ई एफ सी में, क्या लिखना है सी है ना मेरे भाई बंद जाल नीचे लिखा जाएगा सी डी ई एफ सी में, मतलब चार चीज लिखना है ये बंद जाल सी डी ई एफ सी में। अब इसमें देखना क्या है आई टू है आर आर टू है ना आई टू आर टू, फिर क्या करना दोस्तों क्या जाएगा प्लस फिर क्या जाएगा नीचे वाले में क्या लिखा है नीचे वाले में लिखा है आई टू आर टू, फिर ब्रेकर के अंदर क्या लिखा है आई वन प्लस आई आई टू है ना आई वन प्लस आई टू, और फिर इसके पीछे क्या हो जाएगा आर थ्री बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों बराबर हो जाएगा E2, ये सभी का आपका कौन सा तैयार हो सेकेंड। ठीक, इतना करने के बाद आपको करना क्या है सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा सिग्मा ई, बस इतना कर देते हो दोस्तों आपका यहाँ से मतलब प्रथम नियम द्वितीय नियम मिला करके आपका पांच नंबर या छह नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं करना है, ऐसे ही आपको करना है जैसा कि चित्र बना है, एरो इधर रहेगा तो हो जाएगा आपका प्लस, यही चित्र है ना ये नीचे है ऐसे है जैसे लिखा है ऐसे बिल्कुल सेट कर देना है तो आपके हाथ में तुरंत पांच नंबर पक्का हो जाएगा। बाकी कुछ हिंदी हिंदी नहीं लिखना। ठीक, तो मेरा कहना समझ गया, अब आपको करना क्या है स्क्रीनशॉट। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। आशा करते हैं अगले वीडियो देख करके समझ गए, अगर समझ गए तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।